हेलो एवरीवन, आप वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी आर बैक विद एन इक्वेशन। डिटरमाइन द कपलिंग कोफिशिएंट एंड कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन द कपल्ड इंडक्टर्स एट टाइम टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड इफ वी इक्वल्स टू 60 कोस 40 प्लस 30 डिग्री। हमें टी इक्वल्स टू 1 पे कितनी एनर्जी स्टोर होगी इन कपल्ड इंडक्टर्स में, इन दोनों में, ठीक है, वो बताना। और कपलिंग कैपेसिएंट, कपलिंग कोफिशियंट बताना हमें। तो कपलिंग कोफिशियंट जो होता है, कपलिंग कोफिशियंट में बता दूं, वो होता है कपलिंग कोफिशियंट जिसे रिप्रेजेंट हम करते हैं केस है, वो होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस अपॉन L1 इंटू L2। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना दे रखा हमें, 2.5 अपॉन L1 कितना 5 और L2 हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2.5 अपॉन √20। तो K जो सोल्व होकर आएगा वो आएगा 0.56, ठीक है, ये आ गया कपलिंग कोफिशियंट। नेक्स्ट हमें T इक्वल्स टू 1 पर कितनी एनर्जी स्टोर होगी ये बताना है इन कपल्ड इंडक्टर्स में। तो इसको हम सबसे पहले क्या चेंज कर लेते हैं, इसको चेंज कर लो किसमें, सोर्स में, ठीक है, इसको इम्पीडेंस में, इम्पीडेंस में सोल्व करो इसको। तो इसको जब इम्पीडेंस में सोल्व चेंज करेंगे, मैं बता दूं वो कितना होता है, जे ओमेगा एल होता है फॉर इंडक्टर, और कैपेसिटर के लिए होता है 1/j ωc। तो ओमेगा कितना आ जाएगा, यहाँ से ओमेगा देखा हमें 4, तो ओमेगा की जो वैल्यू है वो दे रखी है हमें 4, ठीक है, 4 रेडियन पर सेकेंड। तो इसका मैं पहले ड्रॉ करता हूँ। मैंने मान ली करंट की डायरेक्शन, मान लो कुछ भी एज्यूम कर लो, इसको मैंने दे दिया I1, इसको दे दिया मैंने I2। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करो। इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना मैंने बताया ही है, कैसे ड्रॉ करते हैं, जो कपल्ड इंडक्टर है उसके सीरीज में एक वोल्टेज सोर्स आ जाता है, ठीक है, बाकी का सर्किट एज इट इज ड्रॉ करना। इसको मैं फेजर में लिख रहा हूँ, देखो 60 एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 60 एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री वोल्ट। ये हो जाएगा 10 ओम, ये हमारा 5 हेनरी है, ठीक है। इसको चेंज करो, यहाँ पे देखो मैं चेंज यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। सो इधर पहले इसको बना लूँ, दूसरे वाले को भी। इसके सीरीज में क्या आ जाएगा, ये वोल्टेज सोर्स और एक कैपेसिटर इधर है ही। चेंज करो इसको, इस वाले को पहले, यहाँ पे कितना आई है, 5 हेनरी है, यानी जे इंटू ओमेगा की वैल्यू 4 और ये 5, यानी जे 20 हो जाएगा इसका। ये आ गया हमारा जे 20 ओम। इसके लिए चेंज करो, जे इंटू 4 इंटू 4 आ जाएगा जे 16, ये आ गया जे 16 ओम। इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे है I1, और इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे है I2, ठीक है। इसकी पोलरिटी देनी है, पोलरिटी कैसे देंगे, पोलरिटी देने का तरीका मैंने बताया। देखो इसमें करंट एंटर कर रही है, या I1 ऐसा आ रही होगी इसमें एंटर करेगी, और I2 ऐसा आ रही है इस, तो I2 भी एंटर करेगी। तो एंटर एंटरिंग का केस हो गया ये, जब एंटर एंटर होता है, जब एंटर एंटर का केस होता है तब क्या होता है, पोलरिटी होती है हमारी पॉजिटिव नेगेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट ऐसा आ रही है तो पॉजिटिव कैसे हो गई, पॉजिटिव नेगेटिव, करंट ऐसा आ रही है तो पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। कितनी वैल्यू होगी इनकी, म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस को अभी हमने चेंज नहीं किया, तो वो कितना हो जाएगा, जे इंटू 2.5 इंटू 4, ये आ जाएगा जे 10, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय करंट इन अदर कोइल, तो सॉरी अदर इंडक्टर, तो इसमें I2 करंट फ्लो हो रही है, तो यहाँ पर I2 आ जाएगा। इसमें भी ऐसे म्यूचुअल इंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय करंट इन अदर इंडक्टर, तो इस वाले में कितनी आ रही है, I1, ठीक है, बस इतना करना। अब इसका क्या करना है, बस इसको इसको कैपेसिटर वाला रह गया, अभी कैपेसिटर वाला कर, इसको चेंज करो, 1/j ω की वैल्यू 4 और C की जगह 1/16, ठीक है, 1/16 फिर देखा, 4 से ये 4 टाइम्स कैंसिल, 4 ऊपर पहुंच गया, और J को ऊपर ले जाऊंगा तो -j हो जाएगा,
माइनस जे फोर ओम। ठीक है, बस चेंज हो गया, केबल लगाना शुरू करो। पहले इसमें लगाता हूँ मैं, ये आ जाएगा जे टेन आई वन, और ये हो जाएगा प्लस, इसमें इसका करंट आई टू फ्लो हो रही है, तो जे सिक्सटीन, और यहाँ से भी माइनस जे फोर आई टू इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से आई वन जो आ गया वो आ गया 1.2 आई टू। ठीक है, नेक्स्ट आगे सोल्व करना शुरू करो। इसमें लगाओ ये कितना हो जाएगा, माइनस 60 एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री प्लस, इसमें भी आई वन इसमें भी आई वन, यानी 10 प्लस जे 20 आई वन प्लस जे इस वाले को जे 10 आई टू इक्वल्स टू जीरो। आई वन की वैल्यू यहाँ पे लगा दो, तो इसको मैं इधर ले गया, 10 प्लस जे 20 आई वन की वैल्यू है माइनस 1.2 आई टू प्लस जे 10 आई टू इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो आई टू आएगा हमारा 3.25 एट एन एंगल ऑफ माइनस 199.39 इतने डिग्री एम्पियर। ठीक है, तो आई वन कितना आ जाएगा, आई वन क्या था, माइनस 1.2 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस 1.2 मल्टीप्लाई बाय 3.25 एट एन एंगल ऑफ माइनस 199.39। तो इसको इसको जब सोल्व किए तो क्या आएगा, इसका करो आई वन इसकी इससे मल्टीप्लाई करो। देखो इसमें थोड़ा कंफ्यूज नहीं हो जाना, इस माइनस की वजह से क्या होगा, यहाँ पे देखो 180 ऐड हो जाएगा, तो इसको 1.2 की 3.25 से मल्टीप्लाई की तो आया 3.9 एट एन एंगल ऑफ माइनस 199.39। मैं इसलिए बता रहा हूँ कभी वहाँ पे मिस्टेक हो जाए तो आपसे, तो माइनस वन की वजह से कितना हो गया, 180 ऐड हो गया। ठीक है, माइनस वन की वजह से 180 ऐड क्यों हुआ, ये आप कमेंट में करके बताएंगे। ठीक है, कमेंट में बताएंगे, मैं देखना चाह रहा हूँ कि कितनी आपने ध्यान से वीडियो देखी है। मैंने सारा बताया हुआ कि कौन से क्वाड्रेंट में कब पॉजिटिव नेगेटिव होता, कितना ऐड करना होता, कब सेपरेट करना होता। ठीक है, तो आई वन और आई टू आ गया। अब नेक्स्ट क्या करना, हमें निकालनी है एनर्जी स्टोर इन कपल इंडक्टर्स। तो एनर्जी जो स्टोर होती है, मैं वो बता दूँ कितनी होती है एनर्जी, सॉरी एनर्जी स्टोर्ड इन कपल्ड इंडक्टर्स होती है 1/2 एल वन आई वन स्क्वायर प्लस 1/2 एल टू आई टू स्क्वायर प्लस माइनस एम आई वन आई टू। ठीक है, तो ये आ गया एनर्जी का फॉर्मूला। अब प्लस माइनस, अब कब प्लस लेना कब माइनस लेना ये भी मैं बता दूं, ये तो ये ध्यान रखना, कब पॉजिटिव साइन जो होगा जब लेंगे, जब डॉटेड टर्मिनल्स में करंट एंटर एंड एंटर वाला केस होगा, या लीव लीव वाला केस होगा। ठीक है, या तो दोनों में एंटर कर रही हो या दोनों में लीव कर रही हो। ठीक है, और नेगेटिव साइन कब लेंगे, जब एक में एंटर कर रही हो और दूसरे में लीव कर रही हो। ठीक है, तो हमारे में क्या केस था, दोनों जगह हमारे में क्या केस आया था, इसमें भी एंटर थी इसमें भी एंटर थी, तो एंटर एंटर वाले में यानी प्लस लेना हमें, तो एल हाफ एल वन आई वन स्क्वायर प्लस हाफ एल टू आई टू स्क्वायर प्लस, यहाँ पर हम क्या लेंगे प्लस वाला साइन। ठीक है, तो एनर्जी को एनर्जी कितनी आ जाएगी, एनर्जी स्टोर जो आ जाएगी वो आ जाएगी हाफ एल वन आई वन स्क्वायर प्लस हाफ एल टू आई टू स्क्वायर प्लस एम आई वन आई टू। अभी अब हमें क्या चाहिए, करंट चाहिए, हमें टी कोस टू वन पे एनर्जी स्टोर बताना कितनी है, तो टी कोस टू वन पे करंट कितनी होगी इंडक्टर्स में, पहले वो निकालो। ठीक है, तो पहले मैं उसको निकालता हूँ, पहले क्या करेंगे, करंट को टाइम डोमेन में लिखो, यहाँ पे करंट का जो वो है कोस 40 है। ठीक है, रेफरेंस, तो यहाँ से हमारा आई वन जो आ गया, आई वन जो आ जाएगा यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, लिख रहा हूँ 3.9 कोस 40 माइनस 19.39। ठीक है,
ये 40 क्या है रेडियन, ये डिग्री है, तो इसको चेंज करना होगा पहले हमें, ठीक है। तो चेंज करेंगे रेडियन को डिग्री में, तो क्या होगा ये 4t, तो कितना आ जाएगा 4t कॉस टू, कितना आया t कॉस टू 1 है, तो 4 × 1 ये आ जाएगा 4 रेडियन। अभी तो ये 4 रेडियन आया, ठीक है, तो इसको मैं चेंज करता हूँ डिग्री में, 4 × 180 / π, ये हो गया अब डिग्री में चेंज, ठीक है। तो ये डिग्री में चेंज होने के बाद I1 जो आएगा ये आ जाएगा कितना, I1 की जो वैल्यू होगी ये आएगी 229.18 डिग्री, ठीक है। तो I1 जो आ जाएगा t कॉस टू 1 पर कितना आ जाएगा 3.9 cos 229.18 -19.39। ये चेंज करना बहुत ज़रूरी है, अगर चेंज नहीं करोगे तो फिर आंसर मिस्टेक आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा -3.38 एम्पियर, ठीक है, विद साइन लेना हमें, जो भी साइन आएगा -3.38। I2 कितना हो जाएगा ऐसे ही सेम, I2 का मैग्नीट्यूड कितना था 3.25 cos 40 -199.39 इतने डिग्री। तो I2 कॉस टू कितना आ जाएगा 3.25 कोस 40 की कितने की वैल्यू है इतने डिग्री, ठीक है, टी कॉस टू 1 पे 199.39। तो यहाँ से I2 आ गया हमारा 2.82। I1 और I2 आ चुके हैं, एनर्जी मैंने बताया था, एनर्जी के लिए जो हमारा फॉर्मूला लगेगा, एनर्जी स्टोर्ड एट टी कॉस टू 1 सेकेंड जो होगा हमारा, दोनों में करंट एंटर कर रही थी तो क्या आएगा वहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है, M I1 I2। तो हाफ L1 कितना, पहले वाला इंडक्टर की वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे 5 हेनरी L1 और L2 4 हेनरी, ठीक है, और M में हमारा 2.5 हेनरी, ये याद रखना। तो L1 आ गया हमारा 5 और I1 आया हमारा -3.38 का स्क्वायर, फिर I2 हमारा L2 है 4, I2 कितना 2.82 का स्क्वायर प्लस M की वैल्यू है 2.5, I1 है हमारा -3.38 और I2 की वैल्यू है हमारी 2.82, ठीक है। तो यहाँ से एनर्जी जो आएगी वो आएगी सोल्व हो गए 20.64 जूल, ठीक है, एनर्जी है जूल में आएगी। तो ये फाइनल आंसर आ चुका, टी कस टू 1 पे 20.64 जूल एनर्जी स्टोर होगी कपल्ड इंडक्टर्स में, ठीक है, ये पता रखना। तो हमने देखा कैसे हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में देखो, कोई अगर कोई स्टेप मिस हो गया हो तो देख लो एक बार, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।